नवरात्र के पहले दिन चौरी चौरा क्षेत्र के तरकुलहा मंदिर पहुंचेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारी अंतिम दौर में, चौरी चौरा क्षेत्र के मां तरकुलहा मंदिर पर नवरात्र के प्रथम दिन यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ नाथ के आगमन को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है और तैयारियों का अमली जामा पहनाने में मस्त हो अंतिम रूप देने में लगे है। कार्यक्रम को देखते हुए गोरखपुर एसपी उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा सुमित शुक्ला, थानाध्यक्ष चौरी चौरा राजू सिंह, थानाध्यक्ष जगह अनिल कुमार सिंह जहां पल पल का मौके पर मौजूद रह जायजा ले रहे हैं। वहीं सीडीओ, डीपीआरओ, उप जिलाधिकारी चौरी चौरा त्रिवेणी प्रसाद वर्मा सहित भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, जिला कोषाध्यक्ष गोरखपुर अजय कुमार सिंह टप्पू, जिला उपाध्यक्ष धनंजय सिंह कौशिक, मंडलाध्यक्ष सुभाष पासवान, प्रकाश चंद्र नन्हे, धर्मेंद्र जायसवाल मोनू मौजूद रहे। अनिल कुमार वर्मा उनका परिचय और उस परंपरा को और आने समृद्ध करने के लिए आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा प्रकाश प्राप्त कर सके, इस जिससे और भव्य स्वरूप दे जाने की आवश्यकता है। चौरी चौरा में इसके विकास की ठोस कार्ययोजना योजना तैयार करें, जिससे हम लोग जब 2021-22 में इस कार्ययोजना को लेकर के आगे बढ़े, प्रधानमंत्री जी का आगमन जब गोरखपुर में 21 में हो और उस दौरान यहाँ पर विकास की योजनाओं के साथ साथ हम अपने उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया था उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर सके और विकास के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सके। आज का यह कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है, एक बृहद कार्य योजना बननी चाहिए, क्योंकि इन शहीदों के बलिदान का परिणाम है देश की आजादी, इन शहीदों के त्याग और बलिदान का परिणाम है कि हम आजादी का रसास्वादन कर पा रहे हैं, और इन शहीदों का परिणाम है कि आप कितने उन्मुक्त वातावरण में आज मां तरकुलहा देवी का दर्शन भी कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर अंग्रेजों का शासन होता, क्या हम इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र हो पाते? नहीं हो पाते। क्या हम मंदिर में दर्शन कर पाते? नहीं। भाइयों बहनों, ये देश की आजादी का परिणाम है, उस आजादी की कीमत को हमें समझना होगा और उस आजादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजस्विता के साथ आगे बढ़ रही है, प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य बनता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के संविधान के साथ उनके साथ खड़े हों। आपने देखा होगा पहले 5 वर्ष गरीब कल्याण के और विकास के और दूसरा 5 वर्ष का ये कार्यकाल देश की जनता ने जो दिया है, इसमें धारा 370 क्या कलंक भी देश के सदैव समाप्त हो रहा है, 3 तलाक की कुप्रथा सदैव के लिए समाप्त हो रही है, विदेशी घुसपैठे भारत से बाहर निकाल करके भारत के गरीबों के हक में जो लोग डकैती डालते थे, अब वह नहीं होगा। भारत के गरीब का हक भारत के गरीब को प्राप्त होगा, यही तो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास और भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार किया है, और आज उसी प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। मैं एक बार पुनः माँ तरकुलहा देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। अमर शहीद देव बंधु सिंह को उनके इष्ट देवी के स्थल पर उनको स्मरण करते हुए अपनी ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबको शारदीय नवरात्र की हृदय से बधाई देता हूँ। माँ तरकुलहा देवी से आप सबके मंगलमय और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बाड़ी को प्रणाम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पावन धरती पर
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी का जोरपुर ग्रामीण और चौरी चौरा की सम्मानित जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत स्पंदन अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के